आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद तौफीक, BTS न्यूज एंड TV चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। बोलिए पूछिए। साहब, ये आज एक हिंदू अखबार में ये आर्टिकल आया साहब, लेडीज को जो है लेडीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए रख रहे हैं तो वोटिंग के दिन, इसके लिए आपका क्या रिएक्शन है साहब? ये आया देखिए, तो क्या करना है, तो होता है ना। अच्छा, उस दिन हमारे वोटिंग के लिए सर, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए इस बार क्या करें? नहीं, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए ही कोशिश की जा रही है, और सबसे हम गुजारिश कर रहे हैं और मसाजिद से आईएमए मस्जिद से, यानी उलेमा इकराम, मुफ्तिया इकराम, पूरे मौलाना, जितने जिम्मेदार लोग हैं वो सब कह रहे हैं कि वोट इस्तेमाल करिए। और ये हमको सब समझना है कि ये हमारे मुल्क का बड़ा नाजुक और तारीख तरीन पार्लियामेंट इलेक्शन होने जा रहा है, और अगर हम अब निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर मुल्क जो रास्ता तय करेगा वो मुस्तकबिल के लिए हम तमाम के लिए ठीक नहीं होगा, मुल्क के लिए ठीक नहीं होगा। तो BJP को रोकना है और उसके लिए हम तमाम को मिलकर मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करना है। हैदराबाद तेलंगाना में जो भाईचारगी है, मोहब्बत है, अमन का माहौल है, उसको बरकरार रखने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि हैदराबाद पार्लियामेंट से MIM पार्टी को वोट देंगे और पूरे तेलंगाना के दीगर 16 पार्लियामानी हलकों से BJP को शिकस्त देंगे। सर, इसमें BLS को सपोर्ट कर रहे हैं या कांग्रेस? हम पिछले असेंबली इलेक्शन की तरह कोई ऐलान नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हैदराबाद में पतंग और तेलंगाना में BJP ख़त्म। तो अब इसके लिए आवाम अकलमंद है, बाशऊर है, आवाम जानती है कि BJP को कैसा हराया जा सकता है, और ये हमारा फैसला है। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला मजलिस के ऐलान के बाद आवाम को पैगाम मिल चुका है। सर, BJP का जो नारा है इस बार 400 पार, उसके ताल्लुक से आपका क्या? देखिए, 400 पार का जो नारा है वो इसलिए दिया जा रहा है कि हमारे आइन को, संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देना। कल ही राजस्थान के BJP के एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहतरमा हैं, उन्होंने कह दिया कि अगर 400 पार मिलेंगे तो आइन और संविधान को बदल देंगे। जब आइन और संविधान बदलेगा तो राइट टू इक्वालिटी, बेसिक स्ट्रक्चर चला जाएगा, रिजर्वेशन जो दलितों को मिल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, BCs को जो रिजर्वेशन मिल रहा है ख़त्म हो जाएगा, आर्टिकल 29 और 30 के तहत जो हमको तहजीबी, हमारे तहजीब का तहफ़ का हक दिया गया वो ख़त्म हो जाएगा, दफ़ा 30 के तहत जो अकलियतों को अपने पसंद के तालीम इदारे खोलने की इजाज़त है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है जिसको आवाम से उम्मीद करते हैं कि उसको देखेंगे और अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करेंगे। सुबह 7 बजे से शाम में 6 बजे तक हम सबको मिलकर अपने वोट का इस्तेमाल करना है, और अगर कोई ये समझ रहा है कि मेरे वोट नहीं डालने से फ़र्क नहीं पड़ेगा तो फिर याद रखिए, वोट एक अमानत है, आप अमानत में खयानत नहीं कर सकते। उस दिन, एक दिन आपको कोई फार्म हाउस में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई दावत मनाने की ज़रूरत नहीं है, जाइए वोट का इस्तेमाल करिए, आप अपना हक अदा करिए, मुल्क को बचाइए, हैदराबाद के अमन को मजबूत करिए, अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए, अपने सियासी शऊर का सबूत दीजिए, ये हम सबको करने की ज़रूरत है। सब अब की बार भी इलेक्शन के जो चीट्स है उसके अंदर बेकायदगी पाई जाती है, क्या है? तकरीबन एक घर के 5 वोट है तो जिसमें से 2 वोट ऐसा नहीं है, बाज वोटों की जंपिंग हुई है, वो चेक कर रहे हैं, चेक करके दे देंगे आप, क्योंकि अब तो हमारे पास ऐप है, वो से प्रिंट आउट निकल जाता है, वहीं का वहीं दे सकते हैं सर, दे रहे सब, लेकिन बात जगह ए और 5 अगर वोटर से तो उसमें से 2 का नहीं है सर, चेक करने के बाद ही पहले जो चेक करके दे सकते हैं, बाद दूसरे बूथ पर गया होगा नाम चेक कर लेंगे। सब एक अपने हैदराबाद के नॉर्मल आवाम का सवाल है, असद साहब ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन असद साहब ही आते, लोगों की आवाम मतलब जो नॉर्मल जो बातें चल रही वो सिर्फ असद साहब ही जीते, लेकिन असद साहब ज़्यादा मेहनत क्यों कर रहे हैं? BJP की वजह से या माधवी लताने की वजह से? मैं 1994 में, आज से 30 साल पहले, हल्के से चार मीनार के मिले था, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मेहनत कम कर रहा हूँ, मैं मेहनत तो इलेक्शन में नहीं कर रहा, कब करेंगे भाई? सोशल मीडिया पर देखिए, पब्लिक इलेक्शन है, मैं हर तरफ मेरे को जाना है, लोगों को मैं दिखना, नवाब साहब कुंटे में आया मैं, कल चंद्रायन को याकूतपुरे में हूँ, तो हर तरफ 7 असेंबली हल्के जाते हैं, तो आवाम के पास जाके उनसे मेरे को गुजारिश करना है ना वोट देने के लिए, तो ये मेहनत तो करना ही पड़ेगा, जमहूरियत है, कैंडिडेट का काम है मेहनत करना, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरी सेहत अच्छी है, तो मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करेंगे ही तो होगा ना, तो इसका
कोई अगर आप बोलेंगे मेहनत नहीं करे घर में बड़े तो आप नहीं बोलते दिख रहे नहीं भाई कहा तो भी है स्टेटमेंट आया उलमा इकराम के अपने हैदराबाद के जो कांग्रेस के सपोर्ट करने की बात नहीं नहीं उलमा इकराम उनका इख्तियार है वो फैसला लिए हैं उनका फैसला है हिंदुस्तान के आयन को बदलने की जो बात चल रही है पिछले वक्त में जो पिछले वक्त में कांग्रेस का दौर था उसमें ऐसा कुछ हुआ था सर जैसा बीजेपी में नहीं नहीं अभी अभी 400 पार का मतलब एक ही है कि भारत के आयन को तब्दील कर देना जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया और अगर आप RSS के जितने सरसंचालक जो शुरू उनके पहले जो चीफ थे सरसंचालक का मतलब चीफ थे हेगडेवर से लेके गुलवालकर और उसके बाद जितने भी बने सुदर्शन बने या राजू भैया बने या फिर अब हैं मौजूदा इन सब की तकारीर नेट पे अवेलेबल हैं इनके लिखे हुए किताबें या जो भी है उसमें एक बार की तरफ हमेशा ये लोग बोलते कि आइन सही नहीं बना तो इसलिए यकीनन ये ख़तरा है बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म करना इनके जहनों में है अब बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो भारत के फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है पूरा वो पिछले वक्त में कांग्रेस के दौर में कुछ बदलाव हुआ था सर इमरजेंसी हुई थी ना कांग्रेस जमाने में जी इमरजेंसी हुई थी जबरी नसबंदी हुई थी कई हुकूमतों का 356 का गलत इस्तेमाल हुआ था प्रेसिडेंट रूल नाफिद करने के लिए सर ये बीजेपी जो है मुस्लिम रिजर्वेशन के ताल्लुक से बार बार कह रही है कि मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं है दलित रिजर्वेशन भी ओबीसी रिजर्वेशन सब खत्म करना चाहती बीजेपी हैदराबाद हमेशा जब भी आते हैं तो हैदराबाद के लोगों को रजाकर बोल दिया जाते हैं इसके ऊपर आप क्या कहेंगे 13 के दिन जवाब मिलेगा उनको 13 के दिन जवाब मिलेगा उनका ने पेटेंट है रजाकारों का रजाकार जो थे वो भाग गए 57 में जो वफादार रजाकार जो थे वो भाग गए 57 में जो वफादार थे आज भी ठहरे हुए चट्टान की तरह इन जालिमों से मुकाबला कर रहे हैं तो वफादारी मुकाबला करता सर अभी तक जो भी स्टेटों में जो पोलिंग हुई परसेंटेज 2019 के मुकाबले कम आता जा रहा है इसकी वजह क्या है अब मेरे को नहीं मालूम उसकी वजह क्या है मैं हैदराबाद की आवाम से अपील कर रहा हूँ कि अपना पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए और खुदा के लिए घर से निकलिए वोट डालिए अपनी पार्टी को भारी अक्सर से कामयाब करिए और बाज़ अखबारात में ये लिख रहे कि नहीं नहीं हैदराबाद में कंपटीशन ही नहीं है सट्टा वाले रेट नहीं दे रहे अरे अखबार का आर्टिकल लिख रहे तुम सट्टा के बारे में लिखते क्या जी हैं इस तरह लिख रहे आप कोई ये देखिए ये एक खामोश तरीके से पोलिंग परसेंटेज गिराने की साजिश कर रहे हैं मैं आपके ज़रिए से हैदराबाद के राय दहिंदगान से अपील कर रहा हूँ कि मजलिस के पूरे मुखालिफीन एक जगह जमा होकर ये कोशिश कर रहे हैं कि मजलिस की कामयाबी को अगर रोक नहीं सकते तो कभी नहीं रोकेंगे रोक सकते इंशाल्लाह तो पोलिंग परसेंटेज कम करना और इसीलिए कभी अखबार में ऐसा लिख दे रहे कभी वहाँ पे कुछ बोल दे रहे तो हैदराबाद की आवाम से अपील कर रहा हूँ कि जो ज़ाहिरन हमारे सामने नहीं है मगर इनका दिल बातिल ताकतों के साथ है मुखालिफीन मजलिस के साथ बैठ कर साजिशें रचा रहे हैं तो इन तमाम जिसको हम उर्दू में बोलते चंडाल चौकड़ी ये चंडाल चौकड़ी को हराने का है तो हमारे को अपना पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने का सर पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए आप क्या मुहिम चलाना चाह रहे हैं क्या हम तो हर जगह बोल रहे हैं तकरीरों में बोल रहे अब तो हम लोग घर पर स्टिकर लगा दे रहे कि आपका पोलिंग स्टेशन ये है यहाँ पे इतने वोट है पूरी कोशिश चल रही है सब आवाम के अंदर तो सबसे ज्यादा जो शुक्र अब देखा जा रहा है वोट देने के लिए बेचैन 13 मई का लोग इंतजार कर रहे हैं इसके तस्वीर का मैं दूसरा रोग बता रहा हूँ मुंह में अल्हम्दुलिल्लाह साहब लोग बेचैन है 13 मई के इंतजार में और खासतौर पर मेयर सिर्फ ये आपका पैगाम जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनके लिए कुछ आपका खुशपुर जो है मैसेज उनको दीजिए फर्स्ट टाइम वोटर बेचैन है लोग फर्स्ट टाइम वोटर से अमेरिकी पैगाम है कि उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं मुस्तकबिल तो उनका होगा ना इस मुल्क की जिम्मेदारी कल उनके खंडों पर आयद की जाएंगी अगर फर्स्ट टाइम वोटर ही बोलेगा नहीं मैं जरा फार्म हाउस जाके आम खा के आता हूँ मैं कहीं दूर जहाँ धावा खुला है वहाँ पे जाके उसको बोल दिया मैं वो क्या बोलते हैं वो चिकन बनाओ कंट्री चिकन बनाओ वो वहाँ पे वैसा मिलता मैं यहाँ से गुलबर्गा चल होनाबाद चलेगा तो वहाँ पे अचारी गोश्त मिलता ऐसा मैं सुन ये गलत बातें हैं भाई आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं इस मुल्क को बचा अगर देखिए इस पार्लियामेंट इलेक्शन में अगर खुदा ना खास्ता बीजेपी हुकूमत में आएंगी तो फिर ये मुल्क उस रास्ते पे चला जाएगा जहाँ से वापस आना मुश्किल होगा हमारे को और हम लोग तारीख का हिस्सा बन जाएंगे तो तारीख अगर बनाने का है तो फर्स्ट टाइम वोटर हो
बुजुर्ग हो, नौजवान हो, खवातीन हो, सबको एक साथ 13 तारीख के दिन निकल कर वोट डालना। कर रहे हैं 13 मई को इलेक्शन है, मजलिस का निशान पतंग है। आपके बोलते हैं आपके बुलाते हैं।
आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि 13 तारीख को अंदर मंजिल को उठाइए। नमस्ते। आप सब अपने हेलमेट का इस्तेमाल करें। नमस्ते नमस्ते मामा Allah'a emanet olun.
एमएलए मलकपेट आपके बहुत ज्यादा आपसे मुलाकात है। सरस्वती साहब को पता चला जनाब अहमद साहब एमएलए मलकपेट आपके मोहल्ले में आपसे